अब 4 एफआईआर हुई है। ये कुछ लोगों की बेजा हरकतों की वजह से मामलात खराब होते नजर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू। दोस्तों, अब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर ऑलरेडी गुजरात में 3 एफआईआर हो चुके थे। अब खबर ये आ रही है कि चौथा एफआईआर मुंबई में हो चुके हैं, का एक मामला और मुंबई का एक मामला। तो टोटल जो है सुबह में 3 बताया जा रहा था, अब 4 एफआईआर हुई है ये भी कहा जा रहा है। एफआईआर के अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही बेहतर करे। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल तो शाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। आप मुफ्ती साहब के लिए दुआ करते रहे, दुआ में बहुत पावर है, दुआ मोमिन का हथियार है। और दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई मुफ्ती जुबैर अहमद ने लोगों से कुछ गुजारिशात किए हैं, और ख़ास करके उन वीडियो क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स को जो मुफ्ती साहब की तकरीर की छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर गलत सलत थंबनेल लगाकर वायरल कर रहे हैं। मुफ्ती जुबैर अहमद मिसबाही साहब ने तो गुजारिश की है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के टीम की तरफ से अलर्ट किया गया कि अगर उन क्रिएटर्स और यूट्यूबर हजरात बाज नहीं आते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन पर एफआईआर किया जाएगा। और कुछ यूट्यूबर हजरात का नाम भी जिक्र किए हैं, मैं उन यूट्यूबर हजरात के नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो मेरी भी एक गुजारिश है कि आप गलत सलत थंबनेल बनाकर काट छाट कर वीडियो को वायरल ना करें। ये आपके ये गलत सलत थंबनेल और एक वीडियो वायरल करने का जो गलत तरीका है, गलत अंदाज है, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की और मुश्किलात बढ़ा रही है। खुदा रा ऐसा मत करें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ खैर करते रहें। अब आइए, मुफ्ती जुबैर अहमद मिसबाही साहब ने जो गुजारिशात किए हैं लोगों से वो समाप्त करें। मैं मुफ्ती मोहम्मद जुबैर मिसबाही, मुफ्ती सलमान अजहरी के बड़े भाई, मेरी कुछ खास गुजारिश है कि आज जो मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बड़ी तेजी में हैं, ऐसे मुश्किल हालात में हमें किसी से उलझना ये अकलमंदी की दलील नहीं है, बल्कि ऐसे मुश्किल हालात में, ऐसे नाजुक हालात में हमें कानून का सहारा लेकर तमाम मसाइल, तमाम मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ लेने की सख्त जरूरत है। अभी हालिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के गिरफ्तारी को लेकर मुल्क में और मुख्तलिफ इलाकों में काफी बेचैनी है, बेकरारी है, दर्द का इजहार है, दुआएं भी हो रही हैं, उलमा मशाइख खानकाहों की तरफ से हिमायत भी है। मगर इस सिलसिले में कुछ लोगों की बेजा हरकतों की वजह से मामलात खराब होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर मुल्क के कानून के खिलाफ, अदालत के खिलाफ या पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनकी तकरीरों की कुछ क्लिप्स को काट कर एडिट करके शेयर कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा ये सब चीजें बंद कर दें, इनसे परहेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां कहीं भी मुकदमा हुआ वहां हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या कानून अदालत की तरफ से हमें राहत मिली है, इंसाफ मिला है, और आगे भी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारे मुल्क का कानून और हमारे मुल्क की अदालतें हमारे हक में बहुत ही बेहतर हैं, अच्छी साबित हो सकती हैं, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत और बुजुर्गों की दुआओं और कानून के सहारे हमें इंशाअल्लाह अल अजीज इंसाफ मिलेगा और हमारे हक में हालात बेहतर हो सकते हैं। आपसे मैं दुआओं का तालिब हूं, और साथ ही साथ आप
अच्छे माहौल को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबको जजाए खैर अता फरमाए। खुदा हाफिज। तो दोस्तों, आपने हजरत मुफ्ती जुबैर अहमद मिसबाही साहब को सुना और उनकी गुजारिशात को भी सुना। खुदा रा इन गुजारिशात पर अमल करें।